वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बड़ी ही स्पेशल सी डिश बना रहे हैं जिसका नाम है नाचोस। ये क्रंची मंची से दिखने वाले नाचोस आप घर में बना सकते हैं और साथ ही मैं एक स्पेशल डिप बनाकर इसमें ये तैयार कर रही हूँ। इसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसे आप स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये मैदे से नहीं बना हुआ है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसे बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने, और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। तो प्याज को मैं यहाँ मोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसे मिक्सी में पीसना है। तो ये प्याज काट लिया है मैंने और एक मिक्सर जार में मैंने इसे सबको डाल दिया है एक साथ, और हल्का सा पानी डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके यहाँ कढ़ाई रख दी है और इसमें एक कटोरी में पानी का डाल रही हूँ। और पानी डालकर जो हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक का डालेंगे। तो ये नमक डाल दिया है मैंने और इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर हम इसे पानी को हल्का सा गुनगुना होने देंगे, इससे प्याज की जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। अब जिस कटोरी से हमने पानी डाला था सेम उसी कटोरी से हम चावल का आटा इसमें डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ स्लो कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लम्स ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी का मेजरमेंट आपने एकदम ध्यान रखना है, आप एक बराबर लेंगे तो आटा बहुत ही अच्छे से मिक्स होएगा। तो ये जैसे ही आटा मिक्स हो गया है तो यहाँ पर हम एक मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर यूं ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है, आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे मैं एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो कोई भी आप एक बड़ा बर्तन ले लें और ये सारा आटा इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल, आप कोई भी रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल ना डालें। तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ रिफाइंड तेल के डाल दिए हैं, इससे आटा हाथ में चिपकेगा भी नहीं और क्रंच भी आ जाएगा नाचोस में। तो कुछ इस तरह से आटा बनकर तैयार हो गया है और अब हमने इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देना है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारे नाचोस अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये 15 मिनट हो गया है, आटा अच्छे से सेट है, तो इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हमने अपने हथेलियों में हल्का सा तेल लगा लेना है और इस 2 रोटी जितना हमने पेड़ा बना लेना है। तो इस तरह से हम ये सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है और एक पेड़ा लेकर रोटी की तरह हम इसे बेल देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम यहाँ बेलेंगे रोटी को और जैसे एक बड़ी रोटी बनती है सेम उसी तरह से हम बना लेंगे। तो ये देखिए, बिना फटे हुए रोटी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। तो ठीक इतनी ही हमें थिक रोटी चाहिए है, ना बड़ी पतली है ना बहुत ही मोटी है। और अब हम एक गोल टिफ़िन ले रहे हैं या कोई भी आप बर्तन ले लें गोल, और चाकू की हेल्प से यूँ चारों ओर से हम इसे कट लगा कर एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। तो ये एक साइज़ की गोल रोटी बनकर तैयार मिल जाएगी हमें। अब चाकू लेकर हम इसे 4 भागों में कट कर लेते हैं। और अब ये जो बचे हुए 4 हिस्से हैं इसे हमने फिर से कट कर लेना है। तो ये बड़े साइज़ के क्रंची मंची से नाचोस बन गए हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे नाचोस बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। तो ये मेरे सारे नाचोस बनकर तैयार हैं, साथ ही यहाँ कढ़ाई में ऑयल भी गर्म है। तो एक एक करके हम इन सबको डालना शुरू कर देते हैं।
हाई मीडियम फ्लेम रखकर आप इसे अच्छे से गरम कर लें। इसमें हमने इन्हें कट भी करना है, हल्का सा हमने फोर्क लगाकर निशान लगा देना है जिससे कि ये फूले ना। तो आप इस स्टेप को ज़रूर याद रखें और इसे आप हल्का सा फोर्क की हेल्प से कट लगा लें। तो ये सारे नाचोस बनकर तैयार हैं। अब हम यहाँ पर ये मैगी चाट मसाला ले रहे हैं। तो एक कटोरी लेकर मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच ये मैगी चाट मसाला डाल दे रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ और ये लाल मिर्च है उसे मैंने डाल दिया है और बहुत ही थोड़ा सा नमक डाला है। इन सब मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। मैगी मसाला डालने से इसका थोड़ा मार्केट जैसा फ्लेवर आ जाएगा नाचोज़ में। तो इन्हें हम ऊपर से ऐसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मसाले को। तो इसका बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा पूरा फ्लेवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे नाचोस सारे बनकर तैयार हैं। तो अब जल्दी से हम एक डिब्बी इसकी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ हंकर्ड ले रही हूँ। तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने हंकर्ड लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, टमाटर और प्याज लिया है मैंने। तो ये प्याज डाल दिया है मैंने, टमाटर और ये लहसुन और हरी मिर्च है इसे ही मैंने बारीक काटा हुआ है। तो ये प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली बारीक काटी हुई और धनिया पत्ता, इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और इसमें हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला डिप हमारा बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ। तो ये क्रंची मंची से नाचोस बनकर तैयार हैं। इन्हें आप ज़रूर बनाएं और देखें कि इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको ये डिश पसंद आएगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।